में 5,000 के शू मिल रहे हैं 2 या 1.5 हज़ार में। ये अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लास्ट हैक बताने वाला हूँ ना, वो भाई तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। 5 ऐसे फैशन हैक्स जो भाई तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देंगे। 4th वाला देखे बिना मत जाना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है तुम्हारी डेली लाइफ में। सबसे पहले आ जाते हैं भाई सिडार वुड हैंगर्स या फिर कोई भी वुड हैंगर। अगर तुम अभी तक ये नहीं यूज कर रहे हो और वो प्लास्टिक वाले यूज कर रहे हो, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या भाई। सही बताऊँ, ये वाला हैक तो मुझे भी नहीं पता था। मैं बहुत टाइम से प्लास्टिक हैंगर्स यूज कर रहा था, लेकिन मैंने एक सीरीज देखी जिसका नाम था हाउ आई मेट योर मदर, एंड उसमें सबका फेवरेट कैरेक्टर जो बार्नी है ना, अपने सूट्स को हमेशा वुड हैंगर्स पे डालता है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है वुड हैंगर्स में जो ये अलग अलग से डाल रहा है। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में वही ज्यादा सही तरीका होता है। अब तुम्हारे पास कोई सूट है या फिर कोई वुलन मटेरियल या फिर मैटर शर्ट या टी शर्ट भी है ना, अगर तुम उनको नॉर्मल प्लास्टिक हैंगर्स पे डाल रहे हो तो वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी एंड उसकी जो लॉन्जिटिविटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वहीं पर जो वुड हैंगर्स होते हैं उसमें कोई भी श्रिंक होने का सीन नहीं होता, वो कभी भी दबते नहीं, जैसे हैं वैसी शेप में रहते हैं एंड तुम्हारी अच्छी से अच्छी एक्सपेंसिव क्लोथिंग को भी ना वैसी रखेंगे जो तुमने फर्स्ट डे पे ली होगी। प्लास्टिक का एक नेचर है कि भाई ओवर टाइम ना वो खराब हो जाता है, वो कभी कभी इतना ज्यादा वीक भी पड़ जाता है कि आपके जो कपड़े ना वो ढीले इधर उधर ऐसे अगर सेट रह गए तो उसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा टी शर्ट के जो कॉलर्स है ना वो कितने ज्यादा खराब हो जाते हैं। वैसे तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगर आपको अपने कपड़े लंबे टाइम तक चलाने हैं तो फोल्ड और निट्स में आती है आपकी टी शर्ट स्वेटर ये सब, शर्ट्स भी इवन फॉर दैट मैटर, लेकिन अगर आप इनको हैंगर पे डालने का सोच रहे हो तो हमेशा वुड हैंगर्स ही यूज करना। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डू चेक देम आउट। सेकंड हैक आ जाता है शर्ट स्टेज का। अब शर्ट स्टेज क्या चीज है, क्या बल है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने देखा होगा कि हमारे शर्ट में मफिन टॉप बनता है जो कि बहुत ज्यादा ऐसे बल्की सा अजीब सा और अनप्रोफेशनल लगता है। अगर तुम एक फॉर्मल सेटिंग में हो या फिर अगर तुम एक पार्टी में जा रहे हो, कोई भी सगन है फंक्शन है, तुम चाहते हो कि शर्ट को टक इन करके पहनना लेकिन वो स्लीक लुक आए, तो शर्ट स्टेज जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। मैंने इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली, तो अगर तुमने वहां पे फॉलो नहीं किया तो वो जरूर देख लेना। इनका सिंपल सा प्रोसेस होता है, बस अपनी थाइज में आपको इनको लगाना है। सस्पेंडर्स की तरह दिखेंगे लेकिन उनका काम बिल्कुल अलग होता है। अपनी शर्ट टेल के ऊपर क्लिप करके जैसे ही इसके ऊपर तुम अपनी फॉर्मल पैंट्स या कुछ भी फॉर दैट मैटर जींस वगैरह पहन रहे हो टक इन करने के साथ साथ, ये दिखने नहीं वाले सबसे पहली बात तो। और तुम भाई एक्सरसाइज कर लो, टस से मस हो जाओ, जब तक तुम शर्ट नहीं उतारोगे और इनको हटाओगे नहीं ये कहीं भी नहीं जाने वाले। अगर तुम्हें लग रहा है कि काफी ज्यादा एक प्रोफेशनल लुक चाहिए या फिर एक इंप्रेशन जमाना है भाई पहले इंटरव्यू में या ऐसा कुछ में, बाद में चाहे तुम ना पहनो वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये शर्ट स्टेज तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाले। थर्ड हैक बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हारी वॉशिंग मशीन में सॉक्स धुलने गई है और एक इधर हो गई एक उधर हो गई, तुम जब पहनने लगो तो बिल्कुल अलग अलग सॉक्स तुम्हें देखने को मिलने वाली है, तो तुम ये वाला हैक जरूर यूज करना। और ये हैक सिंपली ये है कि गेट 8 to 10 पेयर्स ऑफ द सेम ब्रांड सेम डिजाइन सेम कलर वाली सॉक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे होगा क्या यार, बड़ी बोरिंग सी लाइफ नहीं हो जाएगी हम सेम सॉक्स पहन रहे हैं पूरे टाइम? इससे ये होगा कि एक तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि हाँ यार मैं इस तरीके की सॉक्स पहन रहा हूँ। सॉक्स में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, कुछ होती है एंकल, कुछ होती है नो शो सॉक्स, कुछ होती है फुल लेंथ सॉक्स, कुछ होती है अलग अलग टाइप के ऐसे स्पोर्ट्स वाली सॉक्स। तो तुम्हारी कौन सी प्रेफरेंस है, तुम सबसे ज्यादा कौन सी पहनते हो, उनके 8 से 10 पेयर मंगवा के रखो। अब बाय चांस वो वॉशिंग मशीन में जाती भी है धुलने के लिए तो तुम्हें पता है कि सेम सॉक्स ही आने वाली है मेरे पास। फोर्थ हैक जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वीडियो की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी लोगों के काम आने वाला है, वो है कॉलर स्टेज। अब इस पर्टिकुलर हैक में ना 2-3 हैक अलग अलग आ जाते हैं जो मैं सारे आपको आज बता दूंगा। कॉलर स्टेज का क्या मतलब होता है, जब हमारे कॉलर जो है बिल्कुल ड्रूप कर जाते हैं, बिल्कुल नीचे हो जाते हैं, जैसे अभी इतने ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ टाइम में जैसे इस शर्ट को मैं पहनूंगा ना रेगुलरली तो ये खराब होने लग जाएंगे, इधर उधर होने लग जाएंगे। सबसे पहला हैक आ जाता है डबल साइडेड टेप्स यूज करने का। अगर तुम यहां पर टेप लगा के और यहां पर टेप लगा के इसको इस तरीके से बटन डाउन कर देते हो तो ये कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि ये जो कॉलर है ना वे डाउन हो जाते हैं और थोड़े से ऐसे खुलने लग जाते हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा अपीलिंग लुक नहीं आती है। तो इसका क्या इलाज है, कॉलर स्टेज आर द बेस्ट ऑप्शन। ये अमेजोन पर इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते हैं, 100-200 रुपए के आपको मिल जाएंगे एंड ये पूरी जिंदगी चलने वाले। इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है मेटल वाला कॉलर स्टेज जो कि अगर आ जाता है तो वो अंदर फिक्स हो जाएगा, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि अगर आप उसको कपड़ों को वॉश करते हो ड्राई क्लीन नहीं करवाते हो तो वो उसमें जंग लगने के चांसेस आते हैं, वो आपकी डैमेज कर सकता है शर्ट को इन द लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपकी व्हाइट शर्ट है तो वहां पे वो स्टेन्स छोड़ सकता है। लेकिन जो लास्ट हैक बताने वाला ना वो भाई तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। तो भाई तुम्हें बस अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेना, क्रेडिट कार्ड अगर तुमने लोन अपना पे नहीं कर रखा तो उसको बीच में से काट दो। जस्ट किडिंग भाई, कोई स्क्रूटिनी रूटीन में फंस जाना। तो उसको बीच में से काट के जैसे तुम्हारे पास ये 2 हिस्से आ जाएंगे ना, इनको तुम बहुत आराम से अपने कॉलर स्टेज की जगह में डाल सकते हो। अब प्लास्टिक ज्यादा ड्यूरेबल होता है, अगर आप इसको वॉश ऑफ भी करते हो तो इतनी ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगने वाली, इतनी ज्यादा कुछ खराब नहीं होगा। कॉलर स्टेज की जगह यूजुअली शर्ट्स में आपको देखने को मिलने वाले, कैजुअल शर्ट्स में ये वाला ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फॉर्मल शर्ट अगर कोई अच्छी कंपनी के या फिर अगर आप कस्टमाइज करवा रहे हो तो आप इनको इजीली लगवा सकते हो। और अगर तुम्हारे शर्ट में ये वाली जगह नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड ले जाकर तो उन्हें टेलर को भी दे सकते हो, वो भी मेरे ख्याल से 100-150 रुपए में पूरी शर्ट को ऐसा बना देगा।
लगेगा कि भाई कितनी रिच लुकिंग शर्ट है और इतने ज्यादा अमेजिंग अपीलिंग फील आने वाली है उसमें से। लास्ट फैशन हैक आ जाता है शूज से रिलेटेड। अब तुमने भाई सेल पर खरीदे, ज़ारा की सेल लगी हुई है, तुम्हें 5,000 के शू मिल रहे हैं 2,000 या 1,500 में, तुम लेके तो आ गए हो, लेकिन साइज की वजह से तुम्हें इतना लालच आ गया कि तुमने एक साइज डाउन ले लिया। इसका एक हैक तुम्हें बताता हूँ, अपनी सॉक्स के साथ उस शू को पहनना है एंड जहां पर तुम्हें लगता है कि वहां से मुझे टाइट हो रहा है वहां पर अपने ब्लो ड्रायर को लेकर सबसे ज्यादा हीट सेटिंग रखकर वहां पर उसको मार देना। इससे क्या होगा, जो शू की पोजीशनिंग है ना वो स्ट्रेच होती जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा बट हाँ आपके पैर में परफेक्टली फिट आ जाएगा। इस प्रोसेस को ना 2 से 3 बार करते रहना सो दैट जो तुम्हारी परफेक्ट शेप है पैर की वो उस शू में ढल जाए और जैसे ही वो आ जाएगी भाई तुम्हें मिलेगा एक परफेक्ट फिटेड शू। हाँ लेकिन ये हर केस में वैलिड नहीं होने वाला, क्योंकि क्या पता भाई तुम्हारा साइज है 8, तुम ले आए 6 के शू और तुम सोचो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। अब वहां पे उसमें कोई ज्यादा लेयर्स तो नहीं लग रही है ना ऑफ द लेदर या जो भी मटेरियल का शू बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है सिर्फ एक साइज डाउन पे ही काम कर पाएगा। इसको जरूर ट्राई करके देखना एंड अपनी गेम चेंज होते हुए देखना। तो बस यही है आज की हेल्पफुल सी वीडियो ऑन फैशन। तो अगर तुम्हें और फैशन की वीडियोस देखनी है कमेंट करके बताओ कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें इसके ऊपर वीडियो भेज दो, चाहे वो स्किन की हो, फैशन की हो, डेटिंग लाइफ की हो। और तुम प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, अभी बहुत सारी वीडियोस डाली है TGL पे जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग मेरे हिसाब से है। तुम लोगों को कैसी लगती है उसमें भी कमेंट करके बता देना। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू द गबरू लाइफ। तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।